बस क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए कि कार्रवाई लगातार जारी है, दो संस्थानों को सीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु कृपा संस्थान है और इसके मुख्य द्वार पर सभी छात्रों को बाहर निकाल करके बाकायदा ताला जड़ दिया गया है और यहाँ पर सील लगा दी गई है और सील लगा करके सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि बच्चों को घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कोचिंग संस्थान के लोग अपना रिकॉर्ड तलब करने की दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बात की गई है सुरक्षा मानकों की पालना को लेकर के वो बात यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो करवाने की बात की गई है। इसमें कितना जुर्माना लगाया जाता है यह भी तय होगा, क्योंकि जो उपायुक्त हैं फायर यानी अग्निशमन उपायुक्त हैं नगर निगम ग्रेटर की, वो खुद यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने बाकायदा सारे नियमों के तहत कागज बना करके जो नोटिस है वो इस पर चस्पा दिया है और एक सख्त ताकीद कर दी है कि ये जो सील है ये हटनी नहीं चाहिए। फिलहाल नोटिस में क्या लिखा गया है हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर नगर निगम की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर एक चीज लिखी गई है कि दिनांक 30/7 को महापौर ने जो यहाँ पर दौरा किया है इसमें गुरु कृपा कोचिंग संस्थान की जांच में फायर एनओसी का अभाव पाया गया, नगरीय विकास कर जमा नहीं है, इसके अलावा कई अन्य खामियां पाई गई हैं और अग्रिम आदेशों तक कोचिंग संस्थान को 30 तारीख से सीज किया जाता है। यानी आगामी आदेश जब आएंगे, जब ये एनओसी पूरी हो जाएंगे और इन चीजों को लेकर के जवाब पेश कर दिया जाएगा, नगरीय कर जमा करा दिया जाएगा, तब इसके खुलने का कोई रास्ता होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बच्चे यहाँ पर बाहर जमा थे जिन्हें संस्थान की ओर से भेजने की कोशिश की जा रही है, उनकी शिक्षा का कोई नुकसान ना हो ये बड़ा सवाल है। दूसरा आप देख सकते हैं कि कलाम कोचिंग संस्थान के हालात हमने आपको बताए थे, 500 से 700 बच्चे एक एक रूम के अंदर भेड़ बकरी की तरह ठुसे हुए थे और वहां पर अब उसको सीज करने का प्रोसेस जारी है और कलाम कोचिंग संस्थान को सीज करके बाकायदा वहां पर हो सकता है कि बड़ा जुर्माना भी लगाया जाए, क्योंकि यहां पर ना कोई पैरामीटर से ना कोई नियमों की पालना थी और जिस तरह की सिचुएशन थी हमने आपको लाइव में दिखाया था कि वहां पर बाकायदा रोकने की कोशिश की गई, राजकार्य में बाधा लगाने की कोशिश की गई। इन तमाम चीजों के बाद में अब आप देख सकते हैं कि जो अगला सीजर है वो कलाम कोचिंग संस्थान में यानी कलाम एकेडमी में कर दिया गया है जहां पर सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी चल रही थी। अब आप देखेंगे कि बच्चों की भीड़ जमा हो गई है, सभी बच्चे पूछ रहे हैं हमारी फीस का क्या होगा, हमारी बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि कई कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जा रहा है। अरबाज, दिल्ली कोचिंग हादसे से सीख ली गई है, ये बहुत अच्छी बात है, पुनरावृत्ति ना हो हादसे की ये भी जरूरी है, लेकिन जरा बातचीत करिएगा, स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद है, पढ़ाई में किस तरीके की दिक्कतें आ रही है अब उन्हें? बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े सवाल हैं इनके जहन में कि पढ़ाई का क्या होगा, हम खोला जाए क्या क्या होना चाहिए, हमारा कोचिंग हब खोला जाए, इनको बंद कर रहे हो तो कोचिंग हमारी पढ़ाई कितने घंटे क्लास चलती थी? हमारी 3 घंटे क्लास चलती थी, अब क्लासें बंद नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से बहुत शिक्षा का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमारा यही कहना है कि राजनीति के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप सवाल कर रहे हो दम गुस्सा था आपका, सवाल करें गुस्सा बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कोचिंगों में कोई वो नहीं थी, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं थे, इस चक्कर में कोचिंग सीज की गई है। अरबाज, ये किस कोचिंग के स्टूडेंट्स है, कलाम कोचिंग के है क्या, क्या उसे भी बंद कर दिया गया, सीज किया गया है? मानकों की पालना जी बिल्कुल, ये कलाम कोचिंग के क्या सेकंड ग्रेड की पढ़ाई कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं हम, हमारी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कितने एग्जाम में एग्जाम दिसंबर में हमारा संस्कृत विभाग का एग्जाम है, बताओ जयपुर में बेरोजगार है, कुछ नहीं है, फिर भी बताओ क्या करें, अब यहाँ से वापस का हो जाए, एक एक क्लास में 1000 बच्चे पढ़ रहे हो, वहाँ पे अगर आग लग जाए, वहाँ पे अगर पानी भर जाए तो कौन सा एग्जिट गेटिंग के पास ही, बता दो एक ही गेट, एक गेट से कितने बच्चे निकल पाएंगे? हाँ सीढ़ियां भी ऐसी बहुत कड़ी, तो बताओ कैसे उतरेंगे, कुछ जो जयपुर में यहाँ पर प्रताप नगर में जो 2000 करोड़ रुपए खर्च करके कोचिंग यहाँ पढ़ाए उसका क्या मतलब है? गोपालपुरा से लेकर गुजर तड़ी तक 2000 कोचिंग है, यहाँ पे बच्चे कहाँ तक पैदल पैदल जाएंगे, फिर जब वो 2000 करोड़ खर्च करने का क्या मतलब था वहाँ पे? ये देखिए ये गुरु कृपा के बच्चे हैं, ये आप क्या पढ़ रहे थे? हम तो हमारे क्लास में पढ़ रहे थे सर। चीज हो गया अब आपका सर, कितने दिन की छुट्टी हुई पता चला? पता नहीं है कुछ भी, अभी पता नहीं है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये जो सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, पढ़ाई भैया आप कौन है? सर क्या है, पढ़ते हैं, हमारी क्लासें चाहिए, नहीं आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज तो होना पड़ेगा, हमारी क्लासें रुकोगे पैसे लगे, कलाम की कोचिंग के भी पैसे लगे, वो बताओ
एक नजारा पीछे का आपको दिखा दूं कि ये जो लाल यहाँ पर कपड़ा लगा करके सीज किया गया है, बाकायदा सीज करके यहाँ पर ये नजारा आपको दिखा दूं कि ये ताला है, इसी जगह रोकने की कोशिश की गई थी बाकायदा। और हमारे कैमरामैन शायद समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जो लाल कलर का कपड़ा है शेर सिंह जी वो दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ताला लगाया गया है। और ये देखिए कि भीड़ काफ़ी है, काफ़ी हुजूम हुआ हुआ है, हल्ला काफ़ी मचा हुआ है। ऐसे में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ से रोकने की कोशिश की गई थी ऊपर जाने से, मीडिया को बाकायदा सारी सरकारी टीम को सभी लोगों को जाने नहीं दिया गया था। अब यहीं पर बाकायदा लोक लगा दिया गया। जो डीसी फायर हैं सरिता सिंह वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, दो संस्थान आपने सीज कर दिए, कुल कितनी कार्रवाई हुई है और क्या क्या इनके खिलाफ आपने एक्शन लिया है? अभी तक दो ही कार्रवाइयां हुई हैं, बाकी अभी जारी है, जोन वाइज सर्वे भी कराएंगे, जहां जहां जो भी खामियां मिलेगी उनके अकॉर्डिंग अपन कार्रवाई करेंगे आगे भी। बच्चे बता रहे थे कि कोचिंग हब बनवाया गया है जयपुर के अंदर और यहां पर बिना कानून की और मानकों की पालना के चल रहे हैं। कोचिंग हब बनाना कोई गलत बात नहीं है, पर सुरक्षा के मानकों के अनुसार तो सीतापुरा में सरकार द्वारा बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो सुरक्षा मापदंडों के अनुसार अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छी बात। अभी क्या क्या यहाँ पर सुरक्षा मापदंड में कमियाँ पाई गई जिनको आपने नोटिस चस्पा किया है और कब तक इनके खुलने का क्या रास्ता होगा? यहाँ अभी तो देखो जो माहौल देखा वो बहुत ही उग्र होने वाला था कि एक ही हॉल में 700 बच्चे 600-700 बच्चे बैठे हैं जिनके एग्जिट का केवल मात्र एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा उनके पास कोई उसी दरवाजे से आ सकते हैं जा सकते हैं, उसी से आ सकते हैं उसी से जा सकते हैं, उसके अलावा खिड़कियां भी नहीं थी, खिड़कियां भी नहीं थी। तो ऐसे में फिर उन परिस्थितियों का आपने नोटिस में मेंशन किया, क्या क्या मामले बने? मेंशन किया है, डिटेल से भी इनको बता दिया जाएगा कि इनको क्या क्या मतलब मापदंडों की इनको कार्रवाई किस हिसाब से इनको कंप्लीट कराना है, टीम भी इनको बिल्कुल उपलब्ध करा दी जाएगी। बच्चे यहाँ पर बहुत शंका में है कि इनकी पढ़ाई का और पैसे का क्या होगा? देखो बच्चों का ही भविष्य का ही सवाल है, तभी हमें अपन ये नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक ही छत पे 700 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो, कोई हादसा होता है तो कम से कम उनकी सुरक्षा अपने लिए सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए जी। उनके बैठने की व्यवस्था हो, उसको बाकायदा बैठने की व्यवस्था हो, कानून की पालना की जाए, स्पेस हो, दम घुटता है वहाँ, पढ़ाई तो दूसरी बात है, वहाँ घुसते ही दम घुटता है, तो बच्चे ऐसे में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? अभी कितनी कार्रवाइयाँ और ऐसी की जा रही हैं आज? अभी कंटिन्यू चलेगा, 5-6 दिन अभियान चलेगा, टीमों को भी अपन जोन वाइज बांटेंगे, सब अपने अपने जोन में कार्यवाहियां करेंगे, सभी को नोटिस देंगे, सभी के सीजर होंगे, जिनके कंप्लीट नहीं है, जो सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नहीं है उनको बिल्कुल सब पे कार्रवाई की जाए। क्या क्या बेसिक चीजें जो इनको कंप्लीट रखनी? बेसिक चीजें फायर फाइटिंग सिस्टम इनको कंप्लीट ही रखना होगा, जैसे उसमें आप स्प्रिंकलर मान लो, फायर अलार्म मान लो, सारे मापदंड अलग अलग बनाए हुए हैं इनको, सबको पहले से वो एक एक कॉपी दी हुई है। ये फायर फाइटिंग का हो गया, एग्जिट के लिए और एंट्रेंस के लिए प्रॉपर रूट होना चाहिए, जो भी बिल्डिंग की जो हाइट है, जो उसका ग्रॉस बिल्डअप एरिया है, उसके अकॉर्डिंग सभी का अलग अलग है, जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो फॉलो होने चाहिए पूरी तरह। बिल्कुल, वेंटिलेशन के लिए या शैक्षणिक इस तरह की का भी उसमें है, एग्जिट का भी उसमें है, कितने फ्लोर पे कितना आपको सिस्टम लगाना है, बच्चों के लिए रेस्टिंग स्पेस, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सारी चीजें उसमें ऐड है, पानी वगैरह भी है, उसके अनुरूप इनको करना होगा जी। बिल्कुल, तो ये डीसी फायर है जो कि लगातार जयपुर में आज पुष्पा द फायर की तरह कार्रवाइयां कर रही हैं और तीन कोचिंग संस्थानों में से दो को सीज कर दिया गया है। कलाम के हालात आपको हमने बताए थे, सीएलसी के ऊपर कार्रवाई की गई, वहां अभी सीजर नहीं हुआ है लेकिन वहां पर कागजात पूरे मंगाए गए, अगर नहीं मिलते हैं तो उसे भी बंद किया जाएगा। गुरु कृपा को सीज कर दिया गया है और सभी जोन के अंदर जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी जगह कार्रवाई होगी, वहां पहुंचा जाएगा, जहां जो मानक है वो कंप्लीट नहीं मिलेंगे उनको लॉक कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। और जैसे कि डीसी फायर ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह के हालात में अभी पढ़ाई चल रही थी तो बच्चे ये मान करके चले कि दोबारा खुलने को लेकर के जल्दी कोई उम्मीद न रखे कि ये खुल सकेगा, क्योंकि जब तक मानक जो है वो फॉलो नहीं किए जाएंगे तब तक ये दोबारा शुरू नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल, दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो कहीं और ना हो, ऐसे में जरूरी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है प्रदेश भर में, ताकि दोबारा से हादसों की पुनरावृत्ति ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका अरबाज तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गुरु कृपा कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया गया है और साथ ही साथ जो अन्य कोचिंग संस्थान है वहां पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जब तक तय पैमानों पर कोचिंग संस्थान खड़े नहीं उतरते हैं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली में जो हादसा हुआ उसने
सभी को चौंका दिया और सभी की आंखें नम हो गई। दोबारा इस तरीके के हादसे कहीं भी नहीं होने चाहिए और ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जयपुर में एक्शन लगातार जारी है। बताते चले कि दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ था, जहां पर आईएएस पीसीएस आरएएस का सपना बनने को लेकर, बड़े अधिकारी बनने का सपना लेकर स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। उन घरों वालों के बारे में सोचिए, उन परिवार वालों के बारे में सोचिए जो ये सपना देख रहे थे कि उनके बच्चे कल को अधिकारी बनकर घर लौटेंगे, लेकिन किस तरीके से वो घर लौटे। वाकई ये तस्वीरें स्तब्ध करने वाली थी और ऐसे में अब देश भर में एक्शन लिया जा रहा है उन तमाम कोचिंग संस्थानों पर जहां पर तय पैमाने पर इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर गुरु कृपा कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया गया है, साथ ही साथ तमाम अन्य कोचिंग सेंटर्स जहां पर लापरवाही पाई जा रही है वहां पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कलाम एकेडमी को भी बंद किया जा सकता है अगर वहां पर तय पैमाने पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल इन सब के बीच ये है कि उन स्टूडेंट्स के पढ़ाई का क्या जो सपना लेकर अपने घरों से बाहर निकले थे, जिन्होंने कोचिंग में मोटी फीस भरी है, अब वो कहां पढ़ने जाएंगे, ये बड़ा सवाल इस वक्त उनके सामने है। स्टूडेंट से भी हमने बातचीत की, आपने सुना होगा किस तरीके से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि वो परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कहां जाए, क्योंकि कोचिंग की फीस वो भर चुके हैं और ऐसे में अगर कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता है कि कोचिंग संस्थान कितने दिन बाद खोले जाएंगे, आखिर कितना वक्त लगेगा सब कुछ ठीक होने में, ऐसे में उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि आखिर वो पढ़ने जाए तो जाए कहां। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कोचिंग संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ठीक कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अगर आग लग जाती, जैसा कि कलाम कोचिंग सेंटर से जो तस्वीरें सामने आई थी, कल हमने ये तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर ठूस ठूस कर भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट्स को भरा हुआ था और एग्जिट का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक था। ऐसे में सवाल यह है कि अगर उस कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है तो बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे। बड़ा हादसा होने का डर था और ऐसे में जरूरी है कि इन तमाम कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाए जहां पर हादसे होने का डर है, जहां पर मानक सही नहीं पाए जा रहे हैं, तय पैमाने पर इन्हें नहीं बनाया गया है और ऐसे में जरूरी है कि तमाम कोचिंग संस्थानों पर ताला लगा दिया जाए। हालांकि बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में लटका हुआ है इस कार्रवाई के बाद, जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे थे वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं, पूछ रहे हैं ये सवाल प्रशासन से कि आखिर हम जाए तो जाए कहां, क्योंकि फीस तो हमने यहां पर भरी है। अब ऐसे में देखना है कि आगे क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती है, कब तक इन कोचिंग संस्थानों को दोबारा से खोला जाता है। तो गुरु कृपा कोचिंग सेंटर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ताला लगा दिया गया है, सीज किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक तय पैमानों के अनुसार काम नहीं कर लिया जाता है, सभी तैयारियां नहीं कर ली जाती हैं, तब तक ये कोचिंग संस्थान नहीं खोले जाएंगे। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव दो अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर, सीज की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ये वो कोचिंग संस्थान है जो स्टूडेंट्स के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कोई तय पैमाने पर यहां पर काम नहीं चल रहा था, हजारों की संख्या में बच्चे यहां पर पढ़ने जाते हैं अपना भविष्य सवारने, लेकिन अगर इस बीच हादसा होता है, उनकी जान जाती है तो आखिर जिम्मेदार कौन। तो जयपुर में कोचिंग सेंटर पर बड़ा एक्शन लिया गया, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरु कृपा कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया गया है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जयपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, प्रशासन एक्शन मोड में है। गुरु कृपा कोचिंग सेंटर को सीज करते हुए साफ तौर पर चेतावनी उन तमाम कोचिंग सेंटर्स को जो तय पैमाने पर संचालन नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन तमाम कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा अगर वो ठीक तरीके से संचालन नहीं कर पाते हैं।
तो अचानक से निरीक्षण करने के बाद ये फैसला लिया गया है प्रशासन की ओर से, दिल्ली में जो हादसा हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर कमिटी भी गठित की गई है और अलग अलग जगहों पर कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की टीम पहुंच रही है और वहां पर निरीक्षण कर रही है किस तरीके से वहां पर कमियां हैं उन्हें भी देखा जा रहा है, उन्हें दुरुस्त करने के लिए भी कहा जा रहा है और जहां पर ज्यादा कमियां पाई जा रही हैं उन कोचिंग संस्थानों को बंद किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बरसात के बाद पानी भरने से घटना के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर भी एक्शन मोड में है। नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर अधिकारियों के साथ गोपालपुरा बाईपास पर संचालित विभिन्न कोचिंग सेंटर्स का अचानक निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने कोचिंग सेंटर्स में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर एनओसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ बेसमेंट के एग्जिट एंट्री गेट की स्थिति भी देखी। यहां उन्होंने कुछ कोचिंग संचालक को बेसमेंट में क्लास संचालित करते देखा, उनको नोटिस जारी कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश जारी किए गए।